हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको फॉसिल्स के बारे में समझा रहे थे, जिसमें हमने कुछ चीज़ें बता भी दी थी। हमने बताया था कि जो फॉसिल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या हैं, डेड रिमेन्स हैं, और ये भी एक तरीके का एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं इवोल्यूशन का। नेक्स्ट है इसमें दे आर प्रिजर्वेटिव ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्वेटिव ट्रेसेस होते हैं। और ये कहाँ पर प्रिजर्व रहते हैं? जो रॉक होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके नीचे ये प्रिजर्व रहते हैं। उनको हम क्या करते हैं, वहाँ से निकालते हैं और फिर उनको उनकी हम जांच करते हैं लैब में ले जाकर, और तब ये बता देते हैं कि ये जो स्पीसीज़ है वो इतने मिलियन बिफोर यहाँ पर थी, अब ये नहीं है, या फिर अगर है तो उसके अंदर कितने सारे इवोल्यूशन हो चुके हैं अब तक। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स पजेसेस फीचर्स ऑफ रेप्टाइल एज वेल एज बर्ड्स। जो आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल है इसके अंदर क्या होते हैं, ये अपने अंदर ऐसे फीचर्स को पजेस करता है जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल दोनों के फीचर्स को ये दिखाता है। दिस सजेस्ट दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। और इससे ये सजेस्ट होता है, ये मतलब ये जो फॉसिल है, ये जो पर्टिकुलर फॉसिल है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल, ये सजेस्ट करता है कि जो बर्ड्स हैं उनका इवोल्यूशन किससे हुआ है? रेप्टाइल से हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं फॉसिल्स के। एमोनाइट, जो एमोनाइट फॉसिल है ये किसका माना गया है? इन्वर्टिब्रेट का फॉसिल माना गया है। ट्राइलोबाइट जो है इसे भी इन्वर्टिब्रेट का फॉसिल माना गया है। नाइटिया जो है इसको फिसिस का फॉसिल माना गया है। और राजासोरस जो है इसको डायनासोर के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें एज ऑफ द फॉसिल्स। फॉसिल्स की एज हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो फॉसिल है वो कितने साल पुराना है? डीपर द फॉसिल ओल्डर इट इज़, यानी कि जितना ज़्यादा डीप मिलेगा फॉसिल वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ओल्ड होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डीप मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो ओल्ड होगा। नेक्स्ट है इसमें डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटीरियल रेशियो कार्बन डेटिंग। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई अगर हमें फॉसिल मिला उसकी हम कार्बन डेटिंग करा सकते हैं, उसको कार्बन डेटिंग के साथ डिटेक्ट करके उस फॉसिल को हम बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फॉसिल है या जो कोई किसी को जो स्पीसीज़ मिल रही है काफ़ी टाइम पुरानी, हम ये बता सकते हैं कि ये जो स्पीसीज़ है वो कितने साल पुरानी है कार्बन डेटिंग के बेस पर, उसको उसके साथ डिटेक्ट करा के उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इवोल्यूशन बाई स्टेजेस, कि ये जो इवोल्यूशन है, आप देखो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, जो इवोल्यूशन है वो काफ़ी स्टेजेस में हुआ है। यानी कि ऐसे ये सीधे यूं नहीं हो गया है, जैसे यहाँ पर है और ऐसे नहीं हुआ है, इस तरीके से ना होकर ये कैसे हुआ? स्टेजेस में हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। पहले इतना हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा, फिर थोड़ा, इस तरीके से स्टेजेस में हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन टेक प्लेस इन स्टेजेस, दैट इज़ बिट बाय बिट जनरेशंस, कि लगातार जनरेशन्स के अंदर चेंजेस होते गए और इसको ये जो है इवोल्यूशन स्टेजेस में हुआ है। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है फिटनेस एडवांटेज। फिटनेस एडवांटेज में क्या है? इवोल्यूशन ऑफ आई। फिटनेस एडवांटेज के अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से आई का इवोल्यूशन हुआ। तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लेनेरिया। वो जो प्लेनेरिया है उसके अंदर क्या हुआ कि उसके अंदर पहले क्या था, सबसे इनिशियल टाइम में जब यहाँ पर ये अर्थ बन रही थी उस टाइम पर, प्लेनेरिया जो था उसके अंदर ना सिर्फ एक आई स्पॉट, उसके अंदर सिर्फ एक स्पॉट जैसा था, है ना। उसकी बॉडी के अंदर कुछ इस टाइप का प्लेनेरिया का डायग्राम होता है ऐसे करके, यहाँ पर ना इसमें एक आई स्पॉट लाइक था। धीरे धीरे इसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स बनी और फाइनली जाकर क्या हो गया, इसके अंदर आई बन गई। ठीक है, तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि इसको होने ये जो आई बनी है ना उसको काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा, तब जाकर फाइनली इसके अंदर आई बनी थी या ईजाद हुई थी। ठीक है, इवोल्यूशन बाय इवोल्यूशन ऑफ आईज। इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इज़ नॉट सडन, यानी कि आई भी क्या एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, और वो जो आई उस प्लेनेरिया के अंदर बनी है वो सडनली नहीं बनी है, उसको बनने में काफ़ी टाइम लगा है। पहले क्या था, सिर्फ एक स्पॉट जैसा था, फिर उस स्पॉट के अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें वहाँ पर कुछ सेल्स डिवेलप हुई, डिवेलप होने के बाद उसके अंदर उन्होंने कुछ लाइट को रिसीव किया, तो इसके अंदर मतलब क्या हुआ कि फोटो रिसेप्टर सेल्स बनी और तब जाकर उसके अंदर आई डेवलप हुई। यानी कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है तो वो सडनली नहीं बना है। इट अकर्स ड्यू टू माइनर चेंजेस इन डीएनए, हाउएवर टेक प्लेस बिट बाय बिट ओवर जनरेशन। यानी कि इसमें क्या हुआ
कि डीएनए में माइनॉर चेंजेस हुए, एक साथ नहीं हुए ये माइनॉर चेंजेस, बहुत टाइम लगा इनको चेंज होने में, और फाइनली क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बन गया। ठीक, अब ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा एक और पॉइंट यहाँ डिस्कस किया गया है, फ्लैट वर्म हैज़ रेडियोमेंट्री आईज। जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, रेडियोमेंट्री आईज होती हैं, यानी कि पूरी तरह से डिवेलप नहीं होती हैं आई, आँख के कुछ अवशेष होते हैं पूरी तरह से डिवेलप ना होने वाली, ऐसी इनके अंदर आई हैं। और ये जो आई हैं रेडियोमेंट्री आई जो आज बनी हुई हैं, ये ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम पहले ये आई भी ना हो, बिल्कुल ही इनके अंदर सिर्फ स्पॉट हों, और आज के टाइम पर क्या हैं इनके अंदर फ्लैट वर्म के अंदर अब रेडियोमेंट्री आईज हैं। वैसे यहाँ पर इंसेक्ट दिखाए गए हैं कि इंसेक्ट कैसे होते हैं, हैव कंपाउंड आईज। इंसेक्ट के अंदर क्या होती है, कंपाउंड आईज होती हैं। कंपाउंड आईज और सिंपल आई में फ़र्क क्या है, जो ह्यूमन बींग है उनके अंदर सिंपल आईज हैं, और इंसेक्ट के अंदर कैसी हैं, कंपाउंड आईज हैं। ये जो कंपाउंड आईज होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार में नहीं देख पाती हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक ही बार में देख लेते हैं पूरा ऑब्जेक्ट, जबकि कंपाउंड आईज में क्या होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये टुकड़ों में देख पाते हैं। कि मतलब मान लीजिए ये कोई ह्यूमन बींग किसी इंसेक्ट के सामने खड़ा है, तो पहले क्या होंगे, इनके हाथ दिखेंगे, पैर दिखेंगे, मतलब टुकड़ों में उस इमेज को देख पाएंगे। फिर वो इमेज इनके ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में जाने के बाद फिर उस इमेज को क्या करेंगे, ये कलेक्ट, मतलब एक उसके जितने भी पार्ट्स इन्होंने देखे हैं उन पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइंड करेंगे, तब जाकर ये किसी मतलब ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसी को कहते हैं कंपाउंड आईज। और ह्यूमन बींग में कैसी होती हैं, सिंपल आईज होती हैं। ठीक, ह्यूमन बींग हैव बायनोक्युलर आईज, तो इनके अंदर कैसी होती है, बायनोक्युलर आईज या फिर सिंपल आईज होती हैं, और इनको बनने में भी काफ़ी टाइम लगा है। नेक्स्ट है इसमें फंक्शनल एडवांटेज। फंक्शनल एडवांटेज क्या होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ फीदर्स, कि जो फीदर्स का इवोल्यूशन हुआ है वो इसमें समझाए गए हैं। फीदर्स प्रोवाइड इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर, जो कोल्ड वेदर होता है यानी कि ठंडा मौसम होता है उस टाइम पर इनको जो ये जो फीदर्स हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, इंसुलेशन, यानी कि एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। बट लेटर दे माइट बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनका जो यूज़ है आजकल जो बर्ड्स इनका जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्लाइट में कर रहे हैं। पहले इनको एज अ इंसुलेटर यूज़ किया जाता था फीदर्स को, सर्दी से बचने के लिए, जो कोल्ड वेदर होता है उसमें बचने के लिए इनका यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में इतना इवोल्यूशन हुआ कि आजकल ये किस में यूज़ करते हैं, फ्लाइट में इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसके डायनासोर हैड फीदर्स, डायनासोर के अंदर भी क्या होते थे, फीदर्स होते थे, बट कुड नॉट फ्लाई यूजिंग फीदर्स, लेकिन इसके अंदर जो यूज ये कैसे थे, इन्हें ये उड़ने में यूज़ नहीं कर सकते थे। हालांकि फिल्म में ये दिखाया जाता है काफ़ी, अगर आप पुरानी जो अगर हॉलीवुड की फिल्म्स देखेंगे तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो डायनासोर है वो उड़ते हुए भी दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा सच में नहीं था। ये जो क्योंकि इनकी बॉडी में काफ़ी वेट था, बहुत भारी बॉडी थी, तो इसलिए ये उड़ नहीं पाते थे। हालांकि इनके अंदर फीदर्स थे, और इन फीदर्स का यूज़ किस में करते थे, इंसुलेटर की तरह यूज़ करते थे। ठीक है, डायनासोर के अंदर भी फीदर्स थे। नेक्स्ट है इसमें बर्ड सीम्स टू हैव लेटर एडेप्टेड फीदर्स टू फ्लाइट। अब जो बर्ड्स के अंदर जो फीदर्स किस में, मतलब बहुत बाद में आकर जो बर्ड्स हैं बहुत बाद में आकर इन फीदर्स का यूज़ किस में करने लगे थे, फ्लाइट में करने लगे थे। इस ये जो फीचर है इसको इन्होंने बहुत बाद में आके लेटर इन्होंने अडेप्ट किया, और इन फीदर्स को ये किस में यूज़ करने लगे, फ्लाइट में यूज़ करने लगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।